परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में आए हैं करतल ध्वनि से, इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये मैं ऑक्शन कर देता हूँ, चलेगा? कैसी आप? अब आपका पेट का दर्द ठीक हो गया? एकदम परफेक्ट। अच्छा, आपके आशीर्वाद से। चलिए बहुत आगे बढ़िए। थोड़े निराश हो गए थे। चलिए होता रहता है, लेकिन बहुत काम किया आपने। कुछ एक दम आप निराश थे। मम्मी पापा प्रसन्न है? वाह वाह। से ये मैं ऑक्शन करूंगा। मेला पड़ गया। तुम्हारे पैर का भी हाल खराब था, आकर के कुछ किया क्या? अभी घूम रहे हो? ठीक हो एकदम? आसाम हो एक दे। लेकिन ये पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की, मैं लोग कहेंगे कि अब मोदी कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं इसको ऑक्शन कर सकता हूँ ताकि मैं इसमें से कुछ सेवा के काम करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शान रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम तो बात हुई थी, तुम जा रहे थे। बिल्कुल सर। सबका सुनकर है। बहुत बधाई। नाउ कैन यू स्पीक पंजाबी और नॉट? उपेंद्र पाल सिंह। कितने हाइट है? तो वॉलीबॉल बन ही गए। मैं इसका ऑक्शन करता हूँ। ठीक है सर। और मैं सबसे आग्रह करूंगा जो स्कूल में हॉकी अच्छी खेलते हैं वो इसको ले जाए। ताकि आप लोगों का ये स्मृति देख करके उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। बहुत बधाई। अच्छा नीरज, ये बताइए, सचमुच मैं बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्टरी के मूड में आ गए और एकदम विक्टरी तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है, और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे कैसे संभव हुआ? सर जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि भाई तुम 85 जाओगे 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है कि वो 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ करके सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सुला देता हूँ, ठीक है, तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे
मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है, और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है, और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है, कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ, और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। अच्छा ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब कब खाया अभी? आते ही वहाँ से। और एक बार खड़ा होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है मान लो। एक मैं आज घटना सुनाता हूँ तुम्हें। वैसे आज अटल जी की पुण्यतिथि है। अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था, तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे, तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में, तो अटल जी जहाँ जाते थे वहाँ सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद हो, कुछ और भी खिलाओ। हरियाणा का चूरमा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ वो खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग है, दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना। इस बार आप लोगों ने, और इसमें तो काफी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। क्या रहा आपके मन में? था कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, और इस बार काफ़ी उम्मीद थी हमारी छोटी गलतियों को, जैसे हम वो फाइनल में भी घुस पाए और हम मेल की उम्मीद से गए थे लेकिन वो हो नहीं पाया। इसको गलती मत कहो भाई। सर थोड़ी बहुत तो थी, वो अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुधारें और बढ़िया। क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है, और आप तो अमर अकबर एंथनी है, सभी लोगों को भी लाया आपने। लेकिन आगे एक विश्वास बनेगा जी, देश में भी विश्वास बनेगा कि ऐसे खेल में भी, क्योंकि इसमें टीम स्पिरिट बहुत बड़ा रहता है, चार लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना होता है और लड़ाई को जीतना होता है, एक भी वीक हो गया तो पूरा खेल रह जाता है। लेकिन आपको अगर ठीक लगे तो लिख करके भी मुझे जी सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित बातें हैं अगर मुझे देंगे, क्योंकि आपने अभी काफ़ी कुछ आपका ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस है, तो आपने बहुत चीज़ें मार्क की है, अगर आप उन चीज़ों को उसके ध्यान में, यानी ग्लोबल बेंचमार्क के ध्यान में हम लोग कहाँ आगे जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, मुझे जरूर बताइए। और ट्रेनिंग के तरीके के संबंध में भी अगर आपको कुछ लगता है मुझे लिख करके दीजिए, मुझे खुशी होगी कुछ ना कुछ अच्छा करने का। चलिए भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा रवि बताइए, वो आखिरी सेकेंड्स कुछ था जिसने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तूने खेल बदल दिया। यही था कि जेको जी जो करके दिखाना है। नहीं तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं जेको पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा है, ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट कितनी मिल सकती थी।
बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता झाड़ता है तो? हाँ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी, देखिए हरियाणा का आदमी, उस आदमी यार औरत कोई भी हो वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है, ये हरियाणा की विशेषता है जी, वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा अब खिल करके हंस पड़ोगे, क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है, मैंने इसको देखा है कि आप लोग। लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार ये क्या बात है वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हां नर्वस के पर बाद में अब ठीक है, पूछा जी हम अब ऐसी कोई बात नहीं, मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। ठीक है जी आगे भी होगा बिल्कुल, और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का, तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था, लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी, तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है तुम चुप बैठने वाले नहीं हो उसके लगे हो आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते नहीं है जी। और दीपक का क्या हाल है? गुस्सा होगा अभी भी सर बहुत दुख हुआ मेडल के, मतलब बहुत क्लोज थे। क्या बात करते हो, इतनी छोटी आयु तुम्हारे पास, तो इतनी उम्र पड़ी है और इतनी बिगिनिंग में तुम नंबर अपना तो आगे बढ़ा चुके हो। हाँ सर बिल्कुल, और अभी 2024 के लिए अपना पूरा सपना पूरा करेंगे देश को गोल्ड मेडल दिलाने का, नहीं मुझे पूरा भरोसा है लेके आओगे। लेकिन घर गए तो क्या रहा सर? घर गया ही नहीं अभी, गए नहीं अभी। देखो भाई घर जाना चाहिए, अरे ऐसे निराशा नहीं होनी चाहिए, माँ बाप के आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ सर बिल्कुल अभी जाएंगे। हाँ व्यस्त रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अच्छा किया है, हाँ देश को गौरव है। और विनेश ये तो मेरे ही परिवार की है क्या बेटा बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? देखिए तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है, विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है सर? इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं ऐसा नहीं होता है तो। अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है सर, वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है, हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं बता कि मन से निकालना चाहिए, और मैंने जो है अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो, ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं, जो जीत में उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश मैं पूरे परिवार को तुरंत जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ, वरना एकता करो
हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा मैं आधे घंटे कौन लोग मिलता। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा, जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। गर्म है माहौल जब से आप हॉकी जीत करके आए हो। सो हाउ डू यू फील? फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। आफ्टर 41 इयर्स, आफ्टर 41 इयर्स टू ब्रिंग द मेडल बैक टू इंडिया वाज वंडरफुल। बट नाउ हाउ डू यू फील? आई फील वेरी प्राउड। वाह, देखिए आपकी ये हॉकी की जो विक्ट्री है आपने और बेटियों ने दोनों ने कमाल किया, और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सीजेएस को तो है तो पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। नहीं सर, मैं लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। क्योंकि गोल कीपर को तो सबको सूचना देता रहता है। सर आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आई मीन एक मोटिवेशन था। लेकिन तुम जीत करके बाद वहाँ जाके कैसे बैठ गए? सर वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में कूद के ऊपर चढ़ गया सर। अच्छा देखिए, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, बैटिंग किसी की भी हो, बॉलिंग किसी की भी हो, वो 24 घंटे कैमरा के सामने होता है, लोग उसको पहचानते हैं। और हॉकी ऐसी है, खेल जीतने के बाद भी गोल कीपर को कोई नहीं जानता। सही बोला सर, बाद में उसको बताना पड़ता है कि ये था, क्योंकि इतना उसको पहना हुआ होता है। हम लोग जिंदगी भर वो मास्क के पीछे रह जाते हैं। और ये एक साधना है जी, खुद को भी, वरना मन करता है यार मैं भी तो वहां दौड़ू, कैमरा मेरे पीछे दौड़ेगा, लेकिन यहाँ रहना। और आपने तो बड़ी दीवार के रूप में, एक वॉल के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बधाई, और हर एक ने बहुत अच्छा कमा किया। और अब ये मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है, और आप ही से प्रेरित होकर के मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया, क्योंकि ये मैं हॉकी को सम्मानित करना चाहता, बहुत बड़ा काम किया। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। अपने कुछ अनुभव बताइए। आपकी माता जी का स्वास्थ्य कैसा है? उनकी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ, अभी ठीक है, लेकिन अभी तक मिली नहीं उसे। अच्छा, तुम आसाम होकर? हाँ, एक दिन के लिए गई थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हाँ, हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर, वो लोग अभी एक बीएसएफ और एक सीआईएसएफ। अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है? नहीं सर, बचपन में बहुत झगड़ा होता था, उसी के कारण हो गया है। और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था, उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा दो घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम है,
यानी बच्चियाँ पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था और हर एक परिवार को समझा था, हमारे गए बच्चों को स्कूल ले जाता था छोटी छोटी बच्चियों, और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किया। इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बन रहा। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी, वो मूल कारण था, वो खेल महाकुंभ से निकली, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना पड़ेगा। अच्छा मेरी कॉम संसद में हम आप लोगों को मिस करते हैं। सर मैं भी यही प्रिपेयर करने की मेहनत करके नहीं आ पाया सर। तो मैं इस बार कोशिश किया देश के लिए मेडल लाने के लिए, लेकिन मैं सर अपोलोजी करती हूँ, मैं मेरे तरफ से अच्छा कोशिश करके आया। देखिए आपने भले इस मॉडल को छोड़िए, मेडल के तो हार और जीत होते हैं। हाँ सर, एक्चुअली लेकिन आपका स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ सर, क्योंकि आपका आपकी पहचान देश में एक विशेष रूप से हुई है और भारत की महिला खिलाड़ियों की तरफ भी आपके कारण ध्यान गया लोगों का। और मान लीजिए पूरा पिछला दशक एक प्रकार से आप ही के हाथ में रहा है, और इसलिए आपने बहुत कुछ किया है। नमस्कार, सिमरनजीत कौर, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हार गई, लेकिन नहीं जी हारी नहीं हो, ये हार दिमाग में हार निकाल दो। तो शायद मेरे ओपोनेंट ने ज़्यादा मेहनत की होगी, वही कमी रहेगी, तो यही कोशिश है कि आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सोच के कि मेरा ओपोनेंट कितनी मेहनत कर रहा होगा तो उससे ज़्यादा करनी है, तो सी बेस्ट नहीं मेहनत करनी है औरों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है, मैदान छोड़ना नहीं है। कभी नहीं। भवानी अब मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। नमस्ते, वणकम बोलना पड़ेगा। 15 साल के बाद, 15 साल हार्डवर्क के बाद मेरी पहली क्वालिफिकेशन मिली है ओलंपिक्स के लिए। तो मेरे लिए जो आपने मोटिवेट किया है ओलंपिक्स जाने से पहले भी और बाद में भी, क्योंकि मेरा सेकंड मैच में हार गई थी, मैं डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन आपका ट्वीट के बाद वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेजिंग था, तो थैंक यू सो मच सर। भवानी आपको ऐसा लगता है आपका क्वालिफाई होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं थी, और सिर्फ आप क्वालिफाई नहीं हुई, पूरा हिंदुस्तान क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि पहली बार मेरे देश की बच्ची है रानी झांसी बनकर के तलवार गवा रही है। अपने मन की बात में मम्मा के बारे में बोला था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जी जी जी। मैंने ओलंपिक्स में 2 स्पॉट यूज किया था, उसमें से मैंने पहली मैच जिससे जीता है मैं आपको देना चाहती हूँ, और उसके साथ आपका ब्लेसिंग्स भी चाहती हूँ। चलिए माँ के आशीर्वाद लेते रहो, माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया है। मैं पहली बार इसको हाथ लगा रहा हूँ जीवन में, देश को इसका ज़्यादा परिचय भी नहीं है, और तुमने और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियाँ इस पर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक जरा वीरता का भी भाव आता है ना। वह पक्का ले आओगी, लेकिन आप मेडल लाओगी इतना ही नहीं, आपका सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो मेडल में नहीं है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है आपने देश के बेटे बेटियों में इस नए क्षेत्र में उत्साह के साथ जाने के लिए प्रेरित किया, आपने पूरा यानी मिजाज बदला है लोगों का, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। और भाई देखिए आपने मेडल जीतने से हर किसी को गर्व हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे एक और बात से संतोष हुआ, और वो जब तुमने अपने ड्राइवरों को बुला करके उनका सम्मान किया, ये मैं सच बताता हूँ,
मेडल से गर्व होना और ये नम्रता और उनको याद करना, ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण संभव होता है और ये तुमने करके दिखाया। मैं समझता हूं कि देश के सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने मेडल जीतने के बाद सबको याद किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा मैं बताऊं, तुम तो बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि एक दिन तुम्हारा विजय हो गया, हिंदुस्तान पूरी तरह नाच रहा था उस समय जब तुम आई घर गई। पहले क्या किया घर जाकर? सबसे पहले तो मैं मम्मी से मिली, मैं 2 साल पूरा हो गई थी गए नहीं गई थी, तो सबसे पहले मैं मम्मी के हाथ से खाना सबसे पहले खाई थी घर पहुँचते ही सबके साथ, तो बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों के बाद घर जाने को मिला है और बस पूरा फैमिली आई थी मिलने, तो बहुत 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 खुश हुई, बहुत अच्छा लगा ये जाना। कोचिंग का क्या अनुभव है जी? एक क्षेत्र थोड़ा मेहनत काफ़ी बहुत रहती है। नहीं सर, अभी इस मेडल के बाद हमारे जो इंडियन कोचेज हैं उन्हें भी थोड़ा सा उम्मीद जगी कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और इंडियन कोचेज भी मेडल दे सकते हैं। पहला बताइए एक्सपीरियंस तुम्हारा, गुजराती बोलबाल दिया या? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एज अ टीम हम लोग पहले से 3 महीने से हम लोग बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ थे, तो काफ़ी टीम बॉन्डिंग भी हुई थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बीइंग माय फर्स्ट ओलंपिक्स, काफ़ी लोगों का फर्स्ट ओलंपिक्स था, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। अच्छा, पूरी टीम आपके शूटर्स की पहली बार गई थी ओलंपिक? नहीं सर, दिस इज सेकंड टाइम। अच्छा अच्छा, रियो में सर, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नए लोगों से मिले, बट हम लोग की जो टीम बॉन्डिंग थी काफ़ी अच्छी रही सर, सो इट वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। अभी भी मणिनगर में रहते हो कि कहीं और रहने चले गए? नहीं सर, मणिनगर में ही रहते हैं जी सर। तो वहाँ से संस्कार धाम तो बहुत दूर पड़ता है तुम्हें? सर 30 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, रोज जाती थी सर? रोज सुबह 4:55 की बस होती थी, पहले जाके ट्रेनिंग करते थे 10 बजे तक, फिर उसके बाद स्कूल अटेंड करते थे। संस्कार धाम वाले तो अभी भी खुशी बना रहे जी सर, अभी भी। सर मैं यशस्विनी और मैं ये कहना चाहूँ कि हम... तो तुम्हारे दिमाग में UPSC भरा नहीं पड़ा है ना? हैं? क्योंकि माँ बाप दोनों उसी दुनिया में है तो तुम्हारा मन करता होगा। सर बहुत ज्यादा गर्व है मुझे हम सब पर कि हम सब लोगों ने गिर गिर कर खड़ा होना सीखा है और उसी की वजह से हम यहाँ पे हैं, और जितनी हिम्मत सब ने दिखाई है उससे मुझे इतना ज़्यादा गर्व है कि और उम्मीद है कि हम और ज़्यादा मजबूत बनेंगे और अपना बेस्ट देंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम राही सरनोगत है, मैं 25 मीटर इवेंट में कम्पीट करती हूँ और सारे शूटिंग टीम की तरफ से मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको काफ़ी खिलाड़ियों ने कुछ कुछ गिफ्ट किया है, बट वी आर सॉरी हम आपको वेपन गिफ्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कभी रेंज पे आ, हमारे वेपन हमारे साथ चले। अच्छा किया आप लाए नहीं, वरना SPG वाले बाहर रोक लेते हैं। जी सर, SPG वाले देखते ही डरते। सर नमस्कार, आपको मेराज अहमद खान, स्कीट शूटिंग। रियो में जाने से पहले आपसे मुलाकात हुई थी और मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार फिर से मुलाकात हो रही है, लेकिन जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं हुई। आप ऐसा मन में मत रखिए, ये सब समान है यहां पर। नहीं नहीं बिल्कुल, मेरा तो मानना ही है कि जो आदमी हार के जीतता है वो जीत कर नहीं जीतता। आज जो हमने सीखा है हारने के बाद, हारे नहीं है, ने अपनी पूरी कोशिश करी वहाँ पर जीतने की, लेकिन वक्त और जो नसीब है उससे ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार और मेहनत करें और अपना 100% दें और जीतें इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। वाह, तो दीपिका को तो कोई किसी को पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा स्पेशल पहचान है। हाँ बताइए। नमस्कार सर, मैं कहूँगी
है मैंने। माइक माइक कभी बंद हो जाता है। थैंक यू सर। सो ये तीसरा ओलंपिक था मेरा और सॉरी मैंने डिसअपॉइंटेड किया। अरे क्या सॉरी सर, उम्मीद नहीं छोड़ी है और कॉन्फिडेंस अभी भी बाकी है। खिलाड़ी के भी उम्मीद नहीं छोड़ता है और उम्मीद छोड़े तो वो खिलाड़ी नहीं होता है। सर कॉन्फिडेंट है एंड और आगे मेहनत करेंगे बहुत। फिर से आम तोड़ना शुरू करो। तनु कहाँ है? आपसे ऐसे करके मिलना बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरा खेल बहुत पसंद है, मैं बहुत मजे करता हूँ अपने खेल में। हार जीत लगा रहता है बट जब तक रहेगा तब तक हम खेलते रहेंगे। अच्छा ये स्पिरिट चाहिए जी। नमस्ते सर, मेरा नाम अर्जुन लाल जाट है, मैं रोइंग गेम से हूँ। सेमीफाइनल तक पहुँचे थे और भी बढ़िया करेंगे, मतलब इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस है रोइंग में अब तक। थोड़ा चौपी वाटर होने के कारण हम थोड़ा पिछड़ गए थे और आगे भी और अच्छा करेंगे। चलिए अच्छा होगा। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार सर, सॉरी मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। अरे क्या बात करते हो, मुझे बताइए इस देश की जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1.35 मिलियन। हाँ, यूथ कितने हैं उसमें? 65%। उसमें से ओलंपिक कितने गए? 128। इतने बड़े देश में से ओलंपिक पहुंचना ये कोई छोटी विक्ट्री है क्या? थैंक यू सर फॉर सपोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है और सब जितने जाएंगे सब जीत के आएंगे ऐसा तो होता नहीं भाई। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और उसमें से आप वहां पहुंचना ये आपकी अपनी बड़ी सफलता है। मैंने एकेडमी और स्पोर्ट्स स्कूल लगाने के लिए सोच रही थी तो मुझे वाइजैक में लैंड दिया था बट अभी तो खेल रही हूँ बट बाद में ऑब्वियसली मेरा पापा सपोर्ट करेंगे तो ही विल बी डूइंग द एकेडमी साइड। तो आफ्टर प्लेइंग भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया है ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया बट अभी थोड़े दिन से सबको खिलाइए भाई। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। सर वो मेरा कोच है सर, पार्क उनका नाम। सो यू आर फ्रॉम कोरिया? यस सर। वाह, साउथ कोरिया सर। नमस्ते सर। एवर यू विजिटेड अयोध्या? या अयोध्या, यू नो एनीथिंग अबाउट अयोध्या? देयर इज अ को स्पेशल रिलेशन विद कोरिया अयोध्या। एंड लास्ट टाइम द फर्स्ट लेडी योर प्रेसिडेंट्स वाइफ she came to attend that function in Ayodhya. Yeah. She was a special guest. Oh. So you must visit Ayodhya and you must know what is the history about Ayodhya. And you will feel proud. Yes, thank you sir, thank you. It's my honor sir. Hmm. Actually yesterday I told phone call to my wife. Oh. So she tell me, I tell her, wife, tomorrow I gonna meet Prime Minister of India, so Narendra Modi Prime Minister. She say me, oh my god, crazy house, honey. It's your life succeed. Yes. So today I finally I meet her. So bhai, we'll have to give him a very good photograph. He will send today. Yes sir, please sing. Amazing. Congratulations to you also. Yeah, and thanks to you. Sindhu now remain only gold medal. So I she will do it. 2024. I try, okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Majama. Sure, okay. Nahi, thoda Hindi bolna padega.
first Olympic Games, sir, boat, sir, sorry, sorry. It was an amazing experience. बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला. So आगे जाके ध्यान रखूँगी कि क्या कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकूँ और इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ. पहली बार देखिए इस फील्ड में और क्वालिफाई होना, और वो भी एक गुजराती बच्ची दाल भात खाने वाले. हाँ सर, बता बहु कह के ढोकला फाफड़ा खाने कहाँ से आ जाते हैं. बट नहीं, क्या सीखने को मिला? एक्चुअली मैं उधर जाके, मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा था, बट रेस डे पे मैं बहुत नर्वस हो गई. चलता है? या सो आई गॉट वेरी इंटिमिडेटेड एंड जैसे थोड़ा परफॉर्मेंस मेरा. एक बात पक्का मान लीजिए, अगर पॉलिटिशियन नज़दीक में है तो माइक बंद होता ही नहीं है. बताइए. बट या आगे जाके अभी मुझे पता चलेगा कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नर्वस नहीं होना है इतने बड़े स्टेज पे जाके. तो आगे की एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, होपफुली मैं क्वालिफाई करूँ और उधर जाके मैं नर्वस नहीं होंगी. सो दैट्स अभी जब घर वापस गई तो क्या हुआ? जब अहमदाबाद गई तुम टोक्यो से, तो क्या हुआ? बहुत मतलब पूरे अहमदाबाद बहुत इतना सारा प्यार मिला लोगों से, मीडिया वालों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से. सो एवरीवन वाज सो प्राउड कि इस बार गुजरात से 6 लड़कियां हैं. सो बहुत बहुत सारा प्यार और एनकरेजमेंट मिला. तो इससे समझ सकते हो ये देश आपके प्रयत्नों को, आपके परिश्रम को पुरस्कृत करता है. डेफिनेटली सर. ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में मेडल है तभी आप महान हैं. आप यहाँ तक देश को ले गए, ये भी हिंदुस्तान बहुत खुश रहता है. हाँ, अगर मेडल जीते उनकी खुशी बढ़ जाती है. तो आप मन में कभी ऐसे बोझ मत रखिए. I'm Shrihari from Bangalore. I'm a swimmer. It was my first Olympics as well, and it was a very good experience. There was a lot to learn, and it was. I think I got a little pressure during the race, but we did the best we could. And going into the future for the Asian Games and Olympics, now we have a much better idea as to what we have to do to get a few medals. My best wishes are with you. Thank you, sir. 2012 ओलंपिक्स खेल के आया था, उसके बाद 16 तो नहीं खेल पाया, इंजरी हुआ था. उसके बाद 2020 यही है, बीच में थोड़ा गैप हुआ सर. फिर भी ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया अच्छा से. अभी अभी तो आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं सर, ये तो बहुत अच्छा है सर. पहले ओलंपिक्स में बहुत बार गेम्स जा चुका हूँ, उससे भी बहुत अच्छा कर रहे सर. ये कंटिन्यू आप लोग आगे कर रहे तो आने वाला एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स में इससे भी डबल मेडल जीत के आराम से आ सकते हैं. वाह, बढ़िया. सबसे पहले हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपको नमस्कार. नमस्ते. मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ. उड़ीसा से मैं नेशनल लेवल से. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. मैं 15 मेडल हासिल किया हूँ अभी तक नेशनल लेवल में. इंटरनेशनल लेवल में 34 मेडल हासिल किया मैंने. एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, बहुत सारे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करके देश का नाम रोशन किया मैंने. एक सपना बाकी रह गया जो ओलंपिक मेडल लेने का. रियो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था मैंने, और इस बार भी 100 मीटर 200 दोनों में पार्टिसिपेट किया. बेसिकली स्पीड में पार्टिसिपेट करना बहुत दिक्कत है, मेरा लाइफ ही ऐसा है संघर्ष का, हमेशा संघर्ष करते हैं मैंने. 2014 में भी एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम के लिए भी सिलेक्ट हुई थी, लेकिन हाइपरटेंशन के कारण के वजह मुझे नहीं लिए थे. फिर मैं केस अप्लाई करके फिर वापस आई. मुझे बहुत अच्छी लग रही, आपने इतना स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे. मेरे को याद है 2016 से पहले जब मैं स्पोर्ट्स कर रही थी कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी देखे तो बहुत सारा स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम और TOPSV, बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, जिस कारण से स्पोर्ट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं. मेरा पूरा उम्मीद है फ्यूचर में जो ओलंपिक आएगा 24 ओलंपिक में, इसमें इंडिया को 20 मेडल आएगा, ये मेरा उम्मीद है. और एथलेटिक में बेसिकली अभी जो 102 साल के बाद जो सूखा पानी अभी पानी भर रहे, ये सागर तक जाएगा. और एथलेटिक में 15 से ज़्यादा मेडल हासिल करेंगे हर सेक्टर में, ये मेरा पूरा उम्मीद है. और बेसिकली मैं कोई पॉलिटिशियन तुम्हारा भाषण आज का सुनेगा तो तुम्हें चुनाव लड़वाएगा. और बेसिकली आपके सामने मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे किट किस का जो फाउंडर डॉक्टर अथु सामंत सर, सीएम नवीन पटनायक सर को, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया स्पोर्ट्स में, इसलिए आज
स्प्रिंट में बेसिकली 100 मीटर 200 मीटर में दोनों में रिप्रेजेंट किया। ओडिशा में रहकर इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोलती है? सर पहले तो हिंदी मालूम नहीं था, लेकिन अभी इंडिया कैंप में रह के सबके साथ मिल जुल के मेरा हिंदी थोड़ा नॉलेज बढ़ गया। तुम्हारा नाम का मीनिंग मैंने एक बार बताया था। जी सर, दुतिका अर्थात चमक है। मैं बहुत कोशिश किया था मेरा चमक दिखाने के लिए ओलंपिक में, लेकिन मेरा थोड़ा पर्सनल का इंजरी के वजह में चमक नहीं दिखा पाया, लेकिन नेक्स्ट ओलंपिक में जरूर दिखाऊंगा मैं चांद का चमक। देखिए आप लोग सचमुच में इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी सर, ये भी अपने आप में सक्सेस है। देखिए खेल के मैदान में जो आगे बढ़ता है ना, वो जी जान से पसीना बहाता है, अपना सारे शौक छोड़ देता है, खाना प्रिय होगा वो भी छोड़ देता है, क्योंकि भाई मुझे रखना। अनेक तपस्या होती है खिलाड़ी के जीवन में, तो आप लोग इसको कम मत आकिए। देश के लिए आपका हर एफर्ट्स इंस्पिरेशन है, सिर्फ मेडल ही इंस्पिरेशन ऐसा नहीं है, खिलाड़ियों का हर एफर्ट इंस्पिरेशन होता है। चलिए मेरी तरफ से आप सबको बधाई, सुखी रहो बेटा, जय जगन्नाथ। मैं मेरठ आऊंगा तो तुम मम्मी पापा सबको लेके आ जाओ, और मेरठ तो दूर नहीं है, तुम कभी भी आ सकती हो। हाँ लगा दो बेटा, चलिए। बिना मेहनत की कमाई है मुझे तो। चलिए बताइए नानी, तुम्हें बहुत संभालना पड़ा सबको है, मैं देख रहा था कि एक एक को तुझे खेल से ज्यादा संभालना पड़ रहा था, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तो है 15 साल का लंबा। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओलंपिक्स का, काफ़ी साल हो गए, और स्पेशली हमारे काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं इस टीम में जो इन्हें ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता, खुद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और आप नहीं नहीं नहीं, वो संभालने वाला बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आपकी सपनों को थोड़ी सी खरोच आ गई, सपना टूटा नहीं है, तो फिर इन सबको इमोशनल ब्रेकडाउन था, मैं देख रहा था कि कैसे सबको संभालना, क्योंकि आपके कोच भी इमोशनल हो गए थे। तो ये बड़ा कठिन पल था, लेकिन आपने संभाला सबने। पर आपने सर जो उस दिन कॉल किया और आपने इनकरेज किया, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ से बाहर आ गए, कि हमारा अदरवाइज हमारे अंदर बहुत दुख था कि हम बहुत मेडल के क्लोज जाके वापस आए, बट आपने इनकरेज किया कि आप लोगों ने दिल का मतलब देश का दिल जीता है, तो उस चीज़ ने हमें अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब हमें इनकरेज किया फ़ोन कर। आपने आपके जो प्रतिस्पर्धी थे उनके ट्वीट देखे थे क्या? हैं, याद है ब्रिटिश टीम ने आप लोगों की इतनी तारीफ की थी, यानी बोले ये सचमुच में इतने होनहार खिलाड़ी हैं, यानी हर कोई आपकी टेक्निक की चर्चा कर रहा है, लेकिन सभी का था सविता का चेहरा तो कोई जानता ही नहीं होगा। अभी काफी लोगों को पता है, अभी पता चल गया। आप लोग घर हो आए कि अभी जाना बाकी है? सब जा गया है, तो नॉर्थ ईस्ट जा गया ही? नहीं गई, बाद में जाओगे। अच्छा, आप में से कोई खास अनुभव बताना है तो मुझे बताइए, मैं सुनना चाहूंगा, जो बिल्कुल आपके जीवन में एक बहुत बड़ी यानी एक अमानत के रूप में आप लेके आई हो। सर हमारे लिए सबसे बड़ी अमानत तो यही थी कि हम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंचे ओलंपिक्स के, और लास्ट टाइम हमने 12 टीम्स में से 12 फिनिश किया था, जो कि हमारा बिल्कुल अच्छा ओलंपिक्स नहीं था, और इस बार फोर्थ फिनिश करना हमारी वुमेन हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है इंडिया में ना, और हमारी टीम को लड़कियों ने जो देख के हॉकी शुरू किया, तो मुझे लगता है यही हमारे लिए सबसे बड़ी अमानत है कि बाकी बच्चों ने भी हॉकी शुरू की इंडिया में। देश में अभी एक बराबर बुखार आने वाला है, अब क्रिकेट से लोग या तो फुटबॉल में जाएंगे या हॉकी में जाएंगे, ये आपने इतना तो कर दिया है। बहुत इंक्रेज किया है, मतलब जब हम लोग हार गए थे हम लोग बहुत इमोशनल थे, आपने जब बोला तो पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील हुआ और सब लोग खुश हुए उस टाइम पे। हाँ जी सर, चोट किसको आई थी? हाँ तो किससे मार पीट की थी? अभी भी है तुम्हारा दांत? हाँ स्ट्रिचेज अभी निकाले नहीं है, निकल गए?
जाता है, बड़ा ही तो थोड़ी सी बज गई तुम्हारी आँख को नुकसान हो जाता है, हैं? मैं देख रहा था करे इसको क्या हो गया, और सचमुच में अपने देश की बेटियों को बहुत प्रेरित किया है और खेल में इंटरेस्ट, ये ओलंपिक अपने देश में है मेडल से ज़्यादा खेल के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ेगा। पहले तो क्या था, एक आध खिलाड़ी की रुचि होती वो कर लेता, लेकिन माँ बाप अरे पढ़ाई करो, जाओ छोटे भाई को जरा उसको संभालो, देखो पापा आने का समय हो गया तुम घर में रहो, ऐसा सब होता था। अब बदलेगा इस ओलंपिक के बाद, माँ बाप चाहेंगे कि बच्चों की अगर रुचि खेलकूद में है तो उनको मदद करो, प्रोत्साहन करो। चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, हाँ आ जाइए सब लोग, हाँ फिर से एक बार आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, और आप तो सब पराक्रमी लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं और देश की आन बान शान बढ़ाने वाले लोग हैं। देश में आप लोगों को कुछ न कुछ देने की स्पर्धा चल रही है, कोई राज्य ये दे रहा है, कोई एसोसिएशन ये दे रहा है, कोई बिकना दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, और आप भी अब लेते लेते थक गए होंगे, लेकिन मैं देने के लिए नहीं कुछ मांगने के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। देंगे क्या? नहीं, आवाज नहीं आई। नहीं, मैं कुछ मांग सकता हूं आपसे, आप देंगे? लेकिन प्रॉमिस बनना चाहिए, लेकिन खेल कूद वाला नहीं मांग रहा हूं, कुछ और मांग रहा। लो डर गए। नहीं, मैं सच बताऊं, कुछ मैं कुछ मांगना चाहता हूं आज आपसे। देखिए, ये 15 अगस्त कल आप लोग थे, देश आपको कितना प्यार करता है, देश आपको कितना सम्मान करता है, ये आप सबने अनुभव किया है। इसका देश को बहुत लाभ हो सकता है, आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जब आजादी के 75 साल हुए हैं तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वो ही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे, क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं, यानी एक एक प्लेयर स्कूल वाले बुलाएं तो अच्छी बात है, वरना आप खुद स्कूल वालों को कहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ 1 घंटा मैं बिताना चाहता हूं या बिताना चाहता हूं। वहां मेरी आपसे 2 अपेक्षाएं। देखिए, हमारा देश कुपोषण के विषय में, माल न्यूट्रिशन के विषय में अभी भी हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति में नहीं। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाने का प्रबंध की कमी है, लेकिन कभी खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, पानी शुद्ध होना चाहिए, इन विषयों में थोड़ी उदासीनता। अगर एक खिलाड़ी जाकर के बच्चों को कहते हैं कि आपको एक खाना चाहिए, वरना तो मुझे तो मालूम है, मैं जिस परिवार और जिस माहौल से आया हूँ, बच्चों को कुछ भी को क्या कहेगा, बाजरे की रोटी और गुड़ दे दो बस, उसको लगता ही नहीं कि मुझे सब्जी वगैरह खानी चाहिए, ऐसा ही होता है। क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है, बचपन से इन चीज़ों को शरीर में क्या जरूरी है,
और आप इस विषय को तैयार कर सकते हैं, बराबर नोट बना करके एक टीचर की तरह तैयार कर सकते हैं। और ऐसी स्कूल में जाकर के एक लेक्चर पोषण के संबंध में, न्यूट्रिशन वैल्यू के संबंध में, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में वो बहुत बड़ा होता है, विकास के लिए भी जुड़ा होता। आप हैरान हो जाएंगे, हमारी जो बच्चियां हैं वो 13-14-15 साल में ऐसी एनेमिक कंडीशन में होती है कभी कभी, और 5-10 साल के बाद जो वो माँ बनेगी वो तो बच्चा स्वस्थ पैदा ही नहीं हो सकता। और जिस देश का बचपन स्वस्थ ना हो वो देश भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ा सामाजिक काम, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, स्पोर्ट्स पर्सन जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहां तक पहुंचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या मिला बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है, मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकता है उस स्कूल में वो खेल नहीं होगा, लेकिन क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा। चाहे वह कबड्डी खेल लीजिए, खो खो खेल लीजिए, अगर वॉलीबॉल चलता है वॉलीबॉल खेलिए, 10 मिनट उनके साथ खेलिए, वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला, वही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे ये दो चीजें मांगता हूं, देंगे आप लोग? पक्का देंगे? लेकिन आप मुझे फोटो वहां की स्कूल की अपलोड करना, तो आप 75 स्कूल की आपकी फोटो मैं देखूंगा, उसमें भाषण देता हुआ देखूंगा, भाषण का वीडियो भी दे सकते हैं, और खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ वो भी मैं देखना चाहूंगा, तो करेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा सुझाव है कि आपने टोक्यो में गए, कई खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, वहां की व्यवस्थाएं देखी होगी, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, हमारी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, अगर आप कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे तो ऐसी नोट अगर आप मुझे भेजेंगे मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी, क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें जमीनी हकीकतें होती है और इसलिए करेक्शन की संभावना भी बहुत रहती है। तो आप इसको करें, यही मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।